Prime Minister Modi is the boss. नमस्कार और सक्षम न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वैसे तो हर देश रेड कारपेट बिछाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रेड कारपेट बिछाने के अलावा आकाश में ही लिख दिया वेलकम मोदी। यही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते करते उन्हें अपने बॉस भी बता बैठे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी से कह ही चुके हैं कि आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं। इसके अलावा अभी एक दिन पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी के आगमन के समय उनके पैर छुए थे और उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री को ग्लोबल साउथ का लीडर करार दिया था। यही नहीं, छोटे से लेकर बड़े देशों तक में होड़ लगी है कि वह मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दें। यह सब दर्शाता है कि भारत में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी का वैश्विक राजनीति में क्या कद है। विदेशी नेता भी जिस तरह मोदी के फैन हैं, उससे यह भी पता लगता है कि क्यों वैश्विक नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी की ही सबसे ज़्यादा ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रहती है। वैसे आज सिडनी में नमस्ते ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम संपन्न होने के बाद निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जब से मोदी का भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने का कार्यक्रम तय हुआ था, तब से भीड़ के प्रबंधन को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार और प्रशासन के हाथ पाँव फूले हुए थे। खुद प्रधानमंत्री अल्बनीज ने यह बात मोदी को बताई भी थी। सिडनी में मोदी के कार्यक्रम के बाद अल्बनीज की तो मुश्किल हल हो गई, लेकिन अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बरकरार हैं, क्योंकि हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि आपके राजकीय दौरे के दौरान दिए जाने वाले रात्रिभोज में शामिल होने के लिए अमेरिका की बड़ी हस्तियों के बीच मारामारी मची हुई है। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की जो CDE समझाई है, वह दर्शाती है कि आपसी विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा जरूरतें दोनों देशों को बेहद करीब लाई हैं। सिडनी सामुदायिक कार्यक्रम में द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखा जाना आने वाली पीढ़ियों को भी करीब लाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों में जिस ऊर्जा का संचार किया है, वह उन्हें बरसों बरस याद रहेगी। अपने संबोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने विश्व को भारत की युवा शक्ति और हर संकल्प को सिद्ध करने की जिद से भी अवगत कराते हुए हाल के वर्षों में देश की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिस्बेन में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मांग मानकर जहां भारतीयों का दिल जीता, वहीं ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों और उद्योगपतियों को भी भारत की सुनहरी तस्वीर दिखाकर उन्हें भारत आने और निवेश करने का निमंत्रण दिया है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय रूप से और क्वाड सदस्य के रूप में जिस तरह मित्रता मजबूत कर रहे हैं, उससे ड्रैगन का घबराना स्वाभाविक ही है। बहरहाल आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों पर। अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा, ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर वन स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर वन है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर वन है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर दो पर है, वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है,
वो है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, वीट, सुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर दो पर है, वो है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर दो पर है, वो है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है, वो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है, वो देश है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसुलेट खोला जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान, कृत्रिम मेधा, सामाजिक कार्य और कला और संगीत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई हस्तियों के साथ बातचीत भी की और उन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी ने जिन हस्तियों से मुलाकात की उनमें नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रायन पॉल स्मिथ, टॉयलेट वॉरियर मार्क बल्ला, कलाकार डेनियल मेट, रॉक स्टार गाई सेबेस्टियन और सेलिब्रिटी शेफ और रेस्तरा मालिक सारा टॉड शामिल थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तकनीक, कौशल और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के साथ सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। मोदी ने उद्योगपतियों की बैठक के दौरान हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग की कार्यकारी चेयरमैन जीना राइनहार्ट, फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्री के कार्यकारी चेयरमैन एंड्रयू फॉरेस्ट और ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, संचार के समुद्री मार्गों की सुरक्षा और समुद्री डकैती जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और भारत का मानना है कि इनका समाधान केवल साझा प्रयासों से ही किया जा सकता है। द ऑस्ट्रेलियन अखबार को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह एक खुला और मुक्त हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने में सहायता के लिए रक्षा और सुरक्षा संबंधों सहित ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। अखबार ने उनके हवाले से कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आसानी से संतुष्ट हो जाए। उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री अल्बनीज भी ऐसे ही हैं। मुझे विश्वास है कि जब हम सिडनी में फिर से एक साथ हैं तो हमें यह पता लगाने का अवसर मिलेगा कि हम अपने संबंधों को अगले स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं, कैसे पूरकता के नए क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और कैसे हमारे सहयोग का विस्तार कर सकते हैं। बहरहाल, सिडनी के कार्यक्रम में भारतीयों का उत्साह देख ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो कहा वह सबको एक बार फिर जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था मगर उन्हें ऐसा स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। What a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.
Friends, I saw that myself when I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth. It was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day one of the fourth test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. And I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. It is a connection that I feel here tonight. And once again, I feel so grateful to be a part of it. Your million-strong community has contributed so much to this country. The people here tonight, your families, your communities, will always be the lifeblood of the relationship that India and Australia share. And tonight I announce that the new Centre for Australia-India Relations will be based in Parramatta. A place that itself is a testament to the vitality of the Indian-Australian experience. वैसे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने जो आज देखा वह दृश्य भारत अक्सर देखता है जब प्रधानमंत्री की रैलियों में अपार भीड़ एकत्रित होती है। ऐसे दृश्य अक्सर उन देशों में भी देखे जाते हैं जहां प्रधानमंत्री का जाना होता है, खासकर जब प्रधानमंत्री वहां रह रहे भारतीय समुदाय से मिलते हैं तो उन्हें अपने अभिभावक के रूप में पाकर जनता जिस प्रकार का भव्य स्वागत करती है उसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अनोखा और अद्भुत दृश्य बता चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।